अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चलिए। अपडेट की खबर सामने आ चुकी है, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की तारीख के साथ साथ एक बुरी खबर सामने आ चुकी है, अफसोसनाक खबर। जी हाँ, यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चले। 2024 के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के अंदर ईद उल अज़हा की कन्फर्म तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ साथ एक बुरी खबर भी माहरीन फलकियात महकमा मौसमियात ने बता दी है। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं, 2024 के अंदर ईद उल अज़हा किस तारीख को होगी, चांद कब नजर आएगा और इसके साथ साथ बुरी खबर सामने आ चुकी है। जी हां नाज़रीन, पिछले कई सालों से एक मरतबा फिर से इस साल भी ईद उल अज़हा के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। मुकम्मल तफ़सीलात जानने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात सच्चे मुसलमान वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजम सब्सक्राइब करने। यहाँ पर आपको बताते चलें, ईद उल अज़हा 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 17 जून जबकि सऊदी अरब के अंदर 16 जून होने के कभी इम्कान हैं, जबकि हतमी ऐलान रुत हलाल कमेटी जो है वो इजलास में जो है चांद देखने के बाद जिलहज का चांद देखने के बाद रुत हलाल कमेटी इसका हतमी फैसला करेगी। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चलें, बात करते चलें ईद उल अज़हा के हवाले से सबसे अफसोसनाक खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मैदानी फलकियात और महकमा मौसमियात ने आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात ने शदीद तरीन गर्मी की पेशनगोई की है, जबकि दर्जा हरारत 50 से भी 55 तक जाने की पेशनगोई की है, जबकि ईद उल अज़हा के दिनों में शदीद गर्मी की पेशनगोई है। यहाँ पर आपको बताते चले एक मतलब फिर से बहुत ही मौसम गर्म रहेगा ईद उल अज़हा के मौके।